मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 7 अप्रैल 2024 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 1 मार्च 1999। मुरली का सार है, संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? क्योंकि आप सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्र लगा कर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? तो राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं? फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज्यादा और किसी की है? तो वंडरफुल ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं और दूसरी तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में है। तो दोनों चीजें बाबा कहते हैं देखो सामने सामने हैं। एक तो आप ही चैतन्य रूप में भी प्रेजेंट हो और आप क्या देख रहे हो, अपने जड़ चित्र भी देख रहे हो। तो अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना, जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो, तो वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। राज्य तो बहुत बनते हैं लेकिन आप विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट और संगम पर परमात्मा वर्षे के अधिकारी, परमात्मा मिलन के अधिकारी, परमात्मा प्यार के अधिकारी, परमात्मा प्यार की आत्माएं और कोई बनती हैं? बताओ, आप ही बने हैं ना। तो बन गए हो या बन रहे हो? बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ घर में भी चलने वाले हैं। तो संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना। तो प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो कि संगम युग जल्दी जल्दी खत्म हो जाए? तो फिर पूछते क्यों कि बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना कि पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे तब? तो बाप दादा कहते हैं जहाँ भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे, साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। तो साकार में भी कहानी सुनाई है ना कि बिल्ली के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे हैं ना, कि जल गए। भक्ति मार्ग में सुनते हैं ना अहोई माता की कहानी, तो वही बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कहते सब सेफ रहे ना, तो आप परमात्मा बच्चे जो साथ होंगे वो सेफ रहेंगे। अगर और कहीं बुद्धि होगी ना तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइंड होंगे तो एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी कामकाज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो? करते हो? क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है और फिर थक भी जाते हो, तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते?
दो भुजा वाले को साथी बना देते हैं और हजार भुजा वाले को क्यों साथी नहीं बनाते? कौन ज्यादा सहयोग देगा बताओ, हजार भुजा वाला या दो भुजा वाला? बताओ। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक जाते हो। फिर कहते हो थक गए अभी क्या करें। थको नहीं, जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, परमधाम छोड़कर क्यों आए हैं बाप? सोते जागते, कर्म करते, सेवा करते, साथ देने के लिए तो आए हैं। तो ब्रह्मा बाप भी आपको सहयोग देने के लिए ही अव्यक्त बने। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय अब सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा सेवा सिर्फ सेवा वही याद है, बाप को किनारे बैठ को देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी क्या करते हैं, साक्षी होकर देखते हैं कि देखे कहाँ तक अकेले करते हैं, फिर भी आना तो यही है। तो बाबा कहते हैं साथ नहीं छोड़ो, अपना अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। बाबा को बांध कर रखो कि मेरा अधिकार है बाबा आप पर और प्रेम है, तो बाबा कहते ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो और अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारे कर देते हो, बुद्धि से ही निकाल देते हो। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है? जब सर्वशक्तिमान साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी कहीं? नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं कि अच्छा देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। तो संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो, उनको बुद्धि में रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है, भूल जाता है। तो आप सोचो कि सारे दिन में किसी से भी पूछे कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं, लौकिक फादर भूलता है कहीं? ये तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है? माना इमर्ज माना बुद्धि में ऊपर ही रहता है कि भूल जाता है? स्थिति क्या होती है, इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते हो? इमर्ज माना जो दिखाई दे रहा है, जो ऊपर है, जो समझ में आ रहा है। तो इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल ही नहीं सकते क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना, भूल नहीं सकता, ये राइट है। हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते हैं तो भूल भी जाता है, लेकिन जब वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है, भूलेगा नहीं लेकिन वो याद पीछे हो जाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है क्या? बोलो, नहीं टूट सकता है ना। तो प्यार जब टूट ही नहीं सकता तो प्यार का फायदा उठाओ, फायदा उठाने का तरीका सीखो। तो बाप दादा देखते हैं प्यार ने ही बाप का बनाया है, प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे आप स्थान पर कैसे भी रहे, कितना भी मेहनत करें, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच ही जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं कि कई बच्चों को कलयुगी सकम स्टांस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। ऐसे ही है ना, प्यार में पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकमस्टांस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं,
सच्ची दिल पर साहेब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहीं ना कहीं कैसे भी मिल जाता है। बाबा साहब अरेंज कर देते हैं, चाहे डबल फॉरेनर्स हों चाहे भारतवासी, सबको ये बाप का प्यार सरकमस्टांस की दीवार पार करा लेता है। ऐसे ही है ना बच्चों? तो अपने अपने सेंटर्स पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो जहाँ से आते हैं सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ भी सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी पहुँच जाते हैं। ये है प्यार का सबूत। अच्छा, आज होली मनाई? मना ली होली सबने? बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। तो द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया है। स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट पवित्र नहीं बनाते। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है, और आपका देखो स्लोगन भी है, पवित्र बनो योगी बनो, स्लोगन है ना। तो पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट या नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी भी प्रकार की अपवित्रता है तो बाबा कहते हैं यहाँ अपवित्रता का अंश है, वहाँ पवित्रता, पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती। बाप की याद रहेगी पर बाप जैसा है वैसे नहीं आ सकती, जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता। इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। अगर मन में भी अपवित्रता है तो बाबा कहते हैं वो आपको धोखा देगी। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना ये भी अपने आप को धोखा देना है कि मेरे पास तो सब कुछ है, सारे साधन है, मैं तो सेवा भी कर रही हूँ। तो बाबा कहते हैं ये भी अपने आप को धोखा देना है जब तक आपके अंदर खुशी नहीं है, अब मन में संतुष्टता नहीं है। तो बाप दादा देखते हैं कि कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझकर, खुश समझकर धोखा दे देते हैं और दे भी रहे हैं। बाबा कहते देते हैं और देते हैं, दे रहे हैं, तो यह भी एक गुह्य राज है। क्या होता है कि बाप दादा है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्ति युक्त नहीं भी है, मिक्स है, कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों पर खुशी के आधार पर है, सेवा कर रहे हैं। बाबा कहते सेवा क्या है, कुछ कुछ बाप की याद है और कुछ कुछ बाहर के साधनों पर डिपेंडेंट है। खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं, लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि बाप दादा है ना, और वो उसी में ही खुश रहते हैं कि वाह हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाते हैं। बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो तो ऐसा नहीं है, सेवा अगर दिमाग से भी करते हैं तो बाबा कहते हैं
कुछ ना कुछ तो मिलता है लेकिन जमा नहीं होता, क्योंकि बाप है ना, वो देगा तो कुछ, खाली हाथ तो नहीं भेजेगा, तो कुछ ना कुछ मिलता है लेकिन बाबा कहते जमा नहीं होता, कमाया खाया और ख़त्म। इसलिए ये भी अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल रहा है, तो खाया और ख़त्म, जमा क्या हुआ? अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वो सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है, क्या विधि है, आप ध्यान से सुनेंगे। बाबा कहते जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है, स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता, अपवित्रता को जलाना। इसीलिए पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं और फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ ही है जलाना और मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं और लेकिन यहाँ संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है। तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली, गुलाब जल डाल दिया, ठीक है वो भी अच्छा है, खूब मनाओ, बाबा दादा खुश होते हैं। गुलाब जल भले डालो, डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो। सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं करो, 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, यह गुलाब जल डालना है। गुण फैलाने हैं और जलाने को तो आप जानते ही हो कि क्या जलाना है, अभी तक भी जलाते हो तो क्या जलाते हैं, हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया। बाप दादा खुश होते हैं कि हिम्मत तो रखते हैं ना, तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। हिम्मत रखना भी पहला कदम है, लेकिन बाप दादा की शुभ आशा क्या है, क्या है? समय की डेट नहीं देखो कि 2000 में होगा या 2001 में होगा, 2005 में होगा, ये नहीं सोचो। चलो एवर रेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं, लेकिन सोचो बहुत काल के संस्कार तो होने चाहिए ना, बहुत टाइम की प्रैक्टिस चाहिए। तो आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। तो अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ या अल्प काल हुआ, कि टाइम आने पर ही कर लिया, तो ये तो टेम्परेरी हुआ ना, तो इस किस में गिनती होगी आपकी, अल्पकाल में ही होगी ना। तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया, अल्पकाल का, ये अच्छा लगता है क्या, नहीं अच्छा लगता है ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए, कितना काल है वो नहीं सोचो, जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी वंचित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है, बहुत काल करना है, करना है। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो तो इंतजार नहीं करना, क्या करना है, इंतजाम करो, बहुत काल का इंतजाम करो। डेट को भी आपको लाना है, किसको लाना है, हम बच्चों को ही लाना है वो डेट को। समय तो अभी भी एवर रेडी है और कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है कि आप संपन्न बनो, तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है, आपके रोकने से रुका हुआ है बस। राज्य अधिकारी तो तैयार हो ना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना, तो क्या अकेला विश्व राजन तख्त पर बैठेगा, इससे शोभा होगी उसकी क्या? तो रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा भी चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्व राजन तख्त पर बैठ जाए और देखता रहे कि कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली। इसलिए बाप दादा की एक ही शुभ आशा है, क्या आशा है, कि सब बच्चे चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी,
हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने, कभी कभी के नहीं। तो पसंद है तो एक हाथ की ताली बजाओ। पीछे वाले होशियार हैं, अटेंशन से सुन रहे हैं, तो बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहा है, आगे वाले तो है ही आगे, तो नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं, वह भी ताली बजा रहे हैं। और नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है, आपको सम्मुख बैठने का भाग्य है और उनके त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की एक आश सुनी तो पसंद है ना, तो अगले वर्ष क्या देखेंगे? ऐसे ही फिर भी हाथ उठाएंगे। बाबा कहते हाथ भले उठाओ, दो दो उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं, नयनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नयनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखना चाहते हैं, बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं, कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं, भावना में सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव, सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखना चाहते हैं और ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं बाबा? चैतन्य चित्र देखना चाहते हैं, चैतन्य मूर्ति, दिव्य मूर्ति देखना चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं, सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। सर्व देश विदेश में दूर बैठे हुए भी सम्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत 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 याद, प्यार। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने आज वरदान दिया, समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। कई बच्चों को सेवा का उमंग है, लेकिन वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है, इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। बच्चे बाप को भी दिलासा देते हैं कि फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है, रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने ये शोभा नहीं देता। तो स्लोगन है, बाप की पालना का रिटर्न है स्वयं को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। बाप की पालना का रिटर्न है स्वयं को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। ओम शांति।